मॉर्निंग मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को शिवानी का प्यार भरा नमस्कार। आ गई मैं आपके सामने एक बहुत ही बनारस का प्रसिद्ध फेमस ब्रेकफास्ट लेके, जो कि इस बोलते हैं चूड़ा मटर। जी हाँ, आज हम लोग मिलके बनाएंगे मेरी किचन में चूड़ा मटर। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि चूड़ा मटर बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। तो ये है वही नॉर्मल पोहा, जाड़ा वाला, जो कि हम लोग पोहे में इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं इसको धुल के और उसको स्ट्रेन कर लिया और उसको सोख करके इसको फुला लिया। ये फुला हुआ पोहा है, ठीक है। अब ये है मटर, 2 बड़े कप। इस चूड़ा मटर की जो खासियत है, इसमें क्या होता है कि जो मटर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा जाती है और चूड़े की है कम जाती है, ठीक है। और अब तड़के हैं, तड़के में है हमारा राई, जीरा, ग्रेट किया हुआ अदरक जाएगा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची जाएगी, करी पत्ते जाएंगे, कुछ नट्स है, काजू और किशमिश, 2 नींबू का रस निकाल के रखा है हमने, बारीक कटा हुआ धनिया फॉर गार्निशिंग, लास्ट में जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पिंच ऑफ और नमक स्वाद के अनुसार। भाई बस इसमें इतना ही चीज पड़ता है, प्याज इसमें नहीं पड़ती है। तो अब चलते हैं इस चूड़ा मटर को बनाने के प्रोसेस में। तेल हमारा गर्म हो गया है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया अपना फेवरेट मूंगफली का तेल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना ये तड़का, अब ये चटकेगा। फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगी अपने करी पत्ते, ग्रेटेड जिंजर, ग्रेट किया हुआ जिंजर जाएगा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची जाएगी। आप अपने स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से मिर्ची को रखिएगा। मैं इसे टॉस दूंगी, फ्लेम को लो कर दिया जाएगा। अब इसको पहले भून लिया जाएगा थोड़ी देर, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने ये नट्स, काजू और किशमिश। उसको भी मैं इसके साथ ही जो है वो भूनूंगी अच्छे से, जब तक कि हमारे जो काजू है वो लाल नहीं हो जाते। थोड़े से काजू लाल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता है, ठीक है। तो अब हमको इसको ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि हमारे काजू जो है वो लाल नहीं हो जाते। चलिए अब बात करते करते हमारे काजू जो भी हैं वो लाल हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी ये मटर। ये मटर बिल्कुल ताज़ी हरी वाली, अगर आप चाहें तो आप फ्रोजन वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको कवर करके मैं 3 से 4 मिनट तक रखूँगी ताकि मटर जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको आपका आगे का जो है वो प्रोसेस बताऊँ। सॉल्ट अभी ऐड नहीं करना है, उसको ऐसे ही भाप में जो है वो पकाना है। मटर गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब टाइम आ गया है कि मैं अपने इसमें जो सोख किए हुए पोहे हैं वो डालूंगी। और एक पट्टी की बात मैं आपको बताती हूँ कि इस मटर चूड़ा में जो है हल्दी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये गया मेरा पोहा, अब इसमें वही मैं ऐड करूँगी अपना निकाल के रखा हुआ 2 नींबू का रस और अ पिंच ऑफ गरम मसाला, जो कि इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस करके देता है। दैट्स इट। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक स्वाद के अनुसार। ये गया नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा और जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें खटास को बैलेंस करने के लिए वाइट शुगर ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं करूंगी बिकॉज मैंने इसमें किशमिश ऐड किया है, तो उससे ही काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं दूंगी इसको अच्छा सा टॉस, और फिर जो आप लोग जानते हैं कि मेरा प्यार क्या है, मेरा प्यार है इसमें, अब आप लोग गैस कीजिए क्या है। हाँ जी, 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद जो है वो, बिकॉज घी किसी भी टेस्ट में इतना बढ़िया एनहांस होके आता है ना, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस वक्त। और घी ज़रूर से ऐड किया कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही रिच पोहा बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, अब बस ये आपका पोहा जो बन के तैयार है। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको कवर करूँगी और फिर लास्ट में जो है गार्निश कर देंगे हम लोग धनिया से। तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम एकदम लो फ्लेम पे जो है उसको करेंगे। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके और ये देखिए, वाओ, ब्यूटीफुल नेचुरल ग्रीन कलर, और आपका मटर चूड़ा बन के जो है वो तैयार है। और मैंने कर दिया इसको धनिए से गार्निश। एंड यस, मतलब 10 मिनट लगा। अगर आपकी प्रिपरेशन है, कोई भी बिगनर है, बैचलर है, आराम से इसको बना के एंजॉय कर सकता है। इट्स अ कंप्लीट मील फिल्ड विथ फाइबर एंड प्रोटीन, और ये आपका बनारसी चूड़ा मटर जो है वो बन के तैयार है। 10 मिनट लगा होगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा पूरी प्रिपरेशन के साथ और बनाने में। तो बस अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। मैंने अपने चूड़ा मटर की प्लेटिंग
कैसी लगी आपको मेरी आज की ये बनारस की स्पेशल ब्रेकफास्ट की चूड़ा मटर की रेसिपी? डू लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी इसी का नाम है, मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए शिवानी का प्यार भरा नमस्कार।